स्वागत है गाइस एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आज फिर से गेटेक्स के ऊपर स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए आज एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा स्टेट मैनेजमेंट को सीखने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहे हो जो कि मैं हम लोग ने पहले वीडियो में कर चुका हूँ, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखो यार, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। अगर आपको उस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, सीखने को मिले, तो यार कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट भी करना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गेटेक्स की मदद से देखो, जो मैंने ये डायलॉग बॉक्स जो बनाया था, इसमें मैं क्या करूँगा कि जब भी इस पर नाम लिखूँ, ठीक है, इस पर जब भी नाम लिखें तो अगर डन करें तो वो नेम कहीं पर शो होना चाहिए। ठीक है, वो नेम कहीं पर शो होना चाहिए, ये मेरी आज का मोटिव है। ओके, मोटिव है, चलो तो ये चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, वीडियो यही रहेगा, पेज दूसरा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अबाउट पेज में, चलो अबाउट पेज में हम लोग चलते हैं, और अबाउट पेज में बहुत सारी करतूतें करेंगे हम लोग। तो यहाँ से थोड़ी सा अबाउट पेज को डेकोरेट कर देता हूँ मैं, सेंटर की जगह पर मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर को यहाँ से हटाते हैं पूरी तरह से, बोलूँगा मैं कॉलम, या फिर कॉलम, कॉलम ठीक है, कॉलम ठीक है, कॉलम बहुत अच्छी चीज़ होती है, कॉलम आपको हमेशा यूज करना चाहिए। ये हो गया कॉलम की परिभाषा, कॉलम हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से बनाऊँ। जिंदगी एक सफ़, हाँ मैं समझ गया, अभी इतना हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक लिखूँगा टेक्स्ट, 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 यहाँ पे लिखूँगा यो 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 योर, मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, नेम, ठीक है। और अगर मैं जो बनाने के लिए सोच रहा हूँ उसको रो में रखूँगा, तो यहाँ पे नेम आ गया, देख सकते हो आप। और इसको मैं एक सेकंड थोड़ी सी और स्टाइल कर लें, थोड़ा टाइम दो, थोड़ी सी स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, हाइट लगाते हैं 50 का, एक सेकंड, गलती क्यों होता है, डेकोरेशन बॉक्स, डेकोरेशन, कलर करता हूँ कलर्स डॉट डीप पर्पल, यहाँ पे ये वाली कलर मुझे अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसका पर्पलनेस, ये हो गया। और अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा पैडिंग भी दे दूँ, जिससे कि हमको सभी जगह पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा पैडिंग, अब कंटेनर में भी थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, जिससे कि अच्छा लगेगा। इज इंसिस्ट डॉट ऑल 20 पैडिंग, बहुत बड़ा पैडिंग दूंगा अभी। हाइट बढ़ा देते हैं, हाइट घटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हाइट हमको दिक्कत कर रहा है। और जो स्टाइल है, स्टाइल टेक्सटाइल, तो यार क्योंकि एक अच्छा से यूआई के साथ अगर आप सीखोगे तो आपको भी मज़ा आएगा सीखने में, हमको भी मज़ा आएगा आपको सिखाने में। ठीक है, और हमको तो ऐसे ही मज़ा आता रहता, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। नाम हो गया, थोड़ा सा और डेकोरेशन करते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 लगाते हैं। और बस यार आपको लग रहा होगा कि कितना करे जा रहा है, करे जा रहा है, आगे तो बता, चलो आगे बताता हूँ मैं आपको। अब मैं यहाँ पे एक और रो लेने वाला हूँ, रोना नहीं है मुझे, रो लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखने के बाद मेरा नाम है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है खोपाड़ी, खोपाड़ी मेरा नाम है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरा नाम जो खोपाड़ी है, खोपाड़ी ही रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ से स्टाइल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ला के पटक देता हूँ। अभी खोपाड़ी आ गया, अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों को साइड बाय साइड करता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, सेंटर में स्पेस बिटवीन करता हूँ, तो ये इधर चल जाएगा और उधर चल जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसी के अंदर एक और बटन लेते हैं, आइकन बटन,
आइकन बटन, यस आइकन बटन। और आइकन में क्या करूँगा मैं, आइकन डॉट आई थिंक पेंसिल मुझे मिल जाए, पेन मिल जाए, या फिर एडिट करने के लिए कुछ मिल जाए। यस लेकिन 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 ये तो गलत हो गया रे बाबा। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब देखते कि हमारे पास यूआई कैसा लग रहा है। यस छक्का, ओह नो, मैसेज कौन करता है बे, ऑफ कलर कलर्स डॉट वाइट वाइट, यस वाइट हो गया। अब हमारे पास एक मस्त सा यूआई है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आए, वहाँ पे अपना नाम लिखकर सबमिट कर पाएँ, बस इतना काम है हमारा। अब यार आप बोलेंगे डायलॉग बॉक्स क्या बात करते हो भाई साहब, डायलॉग बॉक्स तो मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गेट, और गेट को करेंगे इम्पोर्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डायलॉग मैंने लिखा, लिखने के बाद मुझे यहाँ पे टाइटल में डाल देनी है क्या, क्या टाइटल में, इंटर योर नेम। इतना डालने के बाद कंटेंट में मुझे, देखो यार ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो ये मत बोलना कि भाई फिर से मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जाके वीडियो देखो ना यार, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ओ नो नो नेवर नो, सेव करते हैं एक बार। सेव करने के बाद मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ, यस हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया रे बाबा। अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ रो चिल्ड्रेन, इसमें एक्सपेंडेड, और इसमें लेंगे इनपुट टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अब देखो ये कोई नहीं बोलेगा कि भैया टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को इसी में अच्छा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, मैं नहीं बना रहा, ठीक है। अभी मैं देखना चाहता हूँ कैसा लग रहा है। यस मेरे पास एक इस तरह का बटन आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके अंदर दो बटन और बनाना चाहता हूँ, तब वो जो बटन है मैं करूँगा कॉपी अपने पेज के ऊपर से, ये मैंने कर लिया कॉपी, और इसको मैं डाल दूँगा यहाँ पे। अबे कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, अरे यार कॉपी भी नहीं होता यार। चलो यहाँ से ये कॉपी हो गया, इस बार कॉपी हो जाना, ठीक है। ये क्या गया बे, हाँ ठीक है, तो है ये हो गया पेस्ट। अभी देखते हैं हमारे पास, पहले रिलोड हो जाए उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे अगर क्लिक करो तो हमारे पास एक बटन आ चुका है, एक और बटन बनाना बाकी है, तो मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ आउटलाइन बटन, और एक सेकंड, आउटलाइन बटन अगर ऊपर रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऊपर रख देते हैं, और इसको मैं बोल देता हूँ कैंसल कैंसल, और इसको मैं बोल देता हूँ सेव, और ये दोनों जो फंक्शन है यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ये बकवास लगते हैं। लेकिन एक बात तो है कि बकवास चीज़ें मैं ही तो बताया था। यहाँ पे हो गया थोड़ी सी साइज बॉक्स विथ 30। अभी देखो यार इतना सारा तो यूआई का काम ही था, ठीक है, ये मैंने यूआई का काम कर लिया पूरी की पूरी। अब हमको करना जो है वो करना है थोड़ी सी और यूआई का काम कर लेते हैं, कि यहाँ पे जब कैंसिल पर क्लिक करें तो कैंसिल होना चाहिए। तो मैं करता हूँ गेट डॉट बैक, बस इतना सा तो काम था, इतना तो लिखने दे ही सकते हो। इतना हो जाने के बाद अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 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 जैसे हम इस पर क्लिक करें कुछ डाल कर इस तरह से और सेव करें, तो ये हमारा जो नाम है
वो वहाँ पे सेव होना चाहिए। ठीक है, चलो ये चीज़ें हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो यार, अगर हमको इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर, यानी इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू इंटर कर रहे हैं और उसको एक्सेस करना है, तो हमको एक कंट्रोलर बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ से हम बोल देंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के इक्वल करके, बस ये हमारा बन गया है। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, इतना पहले समझ लो, तब तक मैं थोड़ा सा देखता हूँ कौन मैसेज कर रहा है। रे हाँ, ठीक है गाइस, तो मैंने मैसेज को, ठीक है रहने दो, आदमी है कर देता है मैसेज। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। और क्या करना था मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, अभी जो इसमें लिखेंगे यानी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में जो हम लिखेंगे उसको हमको यहाँ पे एक्सेस करना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, यानी कि जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एडिट करने वाला लगाएं, झोपाड़ी खोपाड़ी यहाँ पे नाम है, और यहाँ पे है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और यहाँ से हम लोग लगाएंगे कंट्रोलर, और जो हम लोग कंट्रोलर बनाए हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। बस आपको इतना ही काम करना है। अब हम आपको बताते हैं कि वो वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे एक्सेस करेंगे हम लोग क्या कि, अरे यार कौन फोन कर रहा है यार, एकदम दिमाग खराब कर कर देता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जैसे हम इस पे प्रिंट करें, तो प्रिंट करूँगा मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, क्यों नहीं आ रहा, ये आ रहा है, डॉट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, आई थिंक वैल्यू नहीं लगाना चाहिए मुझे, मैं वो गलत कर रहा। यहाँ पे इतना करने के बाद मैं यहाँ पे अपना डिबगर कंसोल खोल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मेरा नाम है खोपाड़ी से झोपाड़ी हो गया, झोपाड़ी। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि झोपाड़ी आ गया, क्या बात क्या बात। अब देखो यार, मेरा तो झोपाड़ी आ गया। ठीक है, अब हमको क्या काम करना है कि वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्या करना है कि सेव करवानी है। तो इतना काम तो बिना गेटेक्स के मदद से हम लोग कर लिए, अब आता है काम गेटेक्स की। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे कंट्रोलर में और एक और कंट्रोलर बनाएंगे, मान लो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट डॉट। अब देखो यार, ये चीज़ें मैं तो आपको अलग इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो तो आपको इजी हो, यहाँ अलग अलग बनाने में हमको इजी हो रहा है। टेक्स्ट कंट्रोलर अलग बनाएं, ठीक है, और एक्सटेंड करवाने हैं किससे, गेटेक्स कंट्रोलर से। इतना करने के बाद आपको सिंपल सा एक चीज़ बनानी है, वेर वेर बना दो, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई नेम है, और इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगा अभी, और इसको भी ऑब्जर्वेबल बना दूँगा। अब देखो यार, ये चीज़ें मैंने पहले आपको बताया कि OBS क्या करता है, पिछले वीडियो देखो जाकर। ठीक है, OBS यानी ऑब्जर्व करता कि कहाँ से वैल्यू आ रही है। अब अबाउट अस में जाएंगे, अब क्या करना है कि जैसे ऑन प्रेस पे मैं क्लिक करूं, ऑन प्रेस पे जैसे क्लिक करूं तो जो हमारा, उससे पहले यूज करने से पहले हमको यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है, इंस्टेंस। ठीक है, यानी टेक्स्ट कंट्रोलर का कंट्रोलर, ठीक है, उसको हम बनाएंगे टेक्स्ट कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट, और इसके अंदर टेक्स्ट कंट्रोलर को भर देंगे। ठीक है,
इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे हम नाम लिखकर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट जो भी उसका वैल्यू रहेगा, सॉरी, यहाँ पे शायद दोनों का नाम मैंने सेम कर दिया, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और टेक्स्ट डॉट माई नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू, इसमें असाइन कर देंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट को। अब अगर मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाऊँ वो वाला चीज़, कौन सा, जो हम लोग ये वाली यानी जो वहाँ से आ रहा, तब हम लोग देखेंगे क्या उसमें हमारी वैल्यू जा रही है कि नहीं जा रही है। देखो यार, ये मैं एक बार में भी कर सकता था, लेकिन आपको समझ में आए इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी जगह पे प्रिंट करवा कर आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ इस तरह से आप जब काम करोगे तो यहाँ पे चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं। जैसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हो जो भी वैल्यू मैंने लिखा वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है कि यहाँ पे आकर मैं पहला नाम देता हूँ खोपाड़ी, यस। अब यही वाला नाम हम कहाँ पे लिख देंगे, ये वाला नाम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे, तो उसके लिए हम लगाएंगे टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट वही है जो हम लोग कंट्रोलर बनाए हैं, और यहाँ पे लिख देंगे माई नेम। अब देखो यार, माई नेम में एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आर स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, टू स्ट्रिंग लिख देना आपको। अब आपका जो नाम है, जो भी वहाँ पे नाम रहेगा उससे आपका हो जाएगा। अब देखो यार, दिक्कत क्या हो गया, एक बार फिर से रिलोड कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। यहाँ पे हमारा ऐप फिर से रिलोड हो गया, अबाउट पेज पे चलते हो, खोपाड़ी आ गया, ठीक है। अब हमको काम क्या करना कि अब जैसे इस पर लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू चेंज अभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जहाँ पर भी वैल्यू को चेंज करना है वहाँ पे हमको लगाना पड़ता है OBX, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे OBX और इसके अंदर वो वाली वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। इतना डालने के बाद अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा, मान लो खोपाड़ी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ झोपाड़ी। एक सेकंड गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऐप स्टक हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है सिनोरिटा, ओके। हम लोग वेट करते हैं जब तक फिर से ऐप, क्या वेट करना है, ये तो फिर से डाउनलोड ही हो गया, मतलब रन हो गया। यहाँ पे लिखते हैं झोपड़ी, और जैसे हम लोग करेंगे तो देखो यहाँ पे झोपाड़ी तो चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर चाहता हूँ कि जैसे इस पे लिखें और सेव करें तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, सॉरी यहाँ पे चेंज हो जाए और ये हट जानी चाहिए। तो सिंपल सा एक काम तो है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो मैंने आपको सिखा दिया है कि जैसे ये वैल्यू उस पर जाए तो गेट डॉट बैक हो जाए ऑटोमेटिक, ठीक है, ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको रिलोड करूँ और आपको मस्त तरीके से इसको यूज करके दिखाऊँ तो हम लोग ने कितना मस्त चीज़ बनाया इस बार, ठीक है। आपको ये चीज़ें बहुत जगह यूज होगा, तो अबाउट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा नाम खोपाड़ी आया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चल चेंज कर इसे। चेंज पे दबाया, मैंने लिखा खोपाड़ी के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे झोपाड़ी। जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे नाम सेव हुआ और वो चीज़ें गायब हो गई। लेकिन जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हो कि हमारा नाम यहीं पे लिखा हुआ आ रहा है, जिसको कि हम लोग अब काट के दूसरा नाम लिख सकते हैं। कितना ही मस्त चीज़ है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगला वीडियो नीचे होगा, उसको भी देख सकते हो, नहीं तो आता होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।